बात है इनकी सरकार, लाल टेन प्रदेश बनाकर रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा है। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। भोपाल के बैरागढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक सभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ हुजूर के प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी का प्रचार कर रहे थे। संत नगर बस स्टैंड पर कांग्रेस ने आम सभा का आयोजन किया। आम सभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। हुजूर क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार नरेश ज्ञानचंदानी के समर्थन में वोट मांगने के साथ कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप की झड़ी लगा दी। आज हमारा कृषि क्षेत्र बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल चौपट है, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट है। अगर कृषि क्षेत्र चौपट रहा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी चौपट रहती है। ये आज हमें समझने की बात है। हमारे किसानों के साथ कितना धोखा हुआ, धोखा तो हुआ, अपमान हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, पर सबसे बड़ी चीज कितना अपमान हुआ। 80,000 किसान जेल गए। किसानों को कभी थाने की, कभी तहसील की, कभी पुलिस ने परेशान किया। सबका अपना मान सम्मान होता है, छोटा हो या बड़ा हो। किस प्रकार इन्होंने अपमानित किया, और शिवराज सिंह कहेंगे कि मैं तो किसान का बेटा हूं। ऐसे किसान के बेटे हैं शिवराज सिंह जी कि आप पेट में तो मारते हैं लात और छाती में मारते हैं गोली और कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे को जो जहाँ से भी जिस क्षेत्र में गया हूँ, चाहे ग्रामीण में गया हूँ, चाहे कोलार में गया हूँ, चाहे यहाँ, ऐसा नहीं एक जगह, हर जगह मुझे भारी जन समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, जनता इस बार बहुत बड़े मुझे विश्वास से जिता रही है, क्योंकि उसकी वजह है उनको लग रहा है कि ये सीधा आदमी है, ये काम करेगा। आम सभा में संत हिरदाराम नगर के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा में कमलनाथ ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार प्रदेश में भारी मतों से कांग्रेस को जिताएं।
देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार, जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।